तो देखिए आज अयोध्या का के लिए जो दिन है बहुत ही ये इंतजार वाला रहा और ये घड़ियां पूरी हो गई है। बहुत ही खास दिन है क्योंकि थोड़ी ही देर में शालिग्राम शिला की वैदिक पूजा होगी और राममय हो गई है भगवान राम की नगरी अयोध्या। और मंत्रोच्चार के साथ ही शालिग्राम की दोनों शिलाओं को श्री राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपा जाएगा कल शाम। आपको बता दें कि नेपाल के पोखरा से दोनों शिलाएं पहुंची अयोध्या और यहां पर फूलों के साथ और बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत किया गया दोनों शालिग्राम शिलाओं की तरफ से, शालिग्राम शिलाओं का साधु संतों की तरफ से। और नेपाल से आए पूर्व प्रधानमंत्री पूजन के बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को शालिग्राम की शिला सौंपेंगे और उसकी खास तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें नेपाल के पोखरा के गंडकी नदी से ये दोनों कई टन वजनी शालिग्राम शिलाएं हैं जो कि निकली और उसके बाद ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नेपाल से ये कल बुधवार की देर शाम पहुंची अयोध्या और आज पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इन्हें सौंपा जाएगा श्री राम मंदिर ट्रस्ट को। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं राम नगरी अयोध्या में पहुंच चुके हैं हमारे सहयोगी रवि मिश्रा। रवि जरा बताइए पूरा कार्यक्रम क्या है, क्योंकि हमने देखा नेपाल से बिहार होते हुए यूपी में ये शालिग्राम यात्रा जब प्रवेश की उस वक्त भक्तों का उत्साह हमने देखा है, किस तरह से इस शिला को पूजनीय माना गया, इस शिला को के स्पर्श के लिए हजारों की संख्या में भक्त उमड़ते हुए नजर आए। आज जब अयोध्या में आप मौजूद हैं क्या महसूस कर पा रहे हैं? महसूस क्या, यहाँ तो समीर सब कुछ राममय है और राममय ऐसा है कि वो जो यात्रा शुरू हुई नेपाल से, उस यात्रा के साथ राम का नाम हर व्यक्ति हर इंसान जो इस यात्रा में शामिल रहा वो राम का नाम जपता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। मैं तस्वीरें दिखाऊँ, सबसे पहले ये देखिए ये शिलाओं के बीच पूजन की तैयारी पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर इसका पूजन होगा। 2 शिलाएं, एक शालिग्राम शिला जिससे भगवान श्री राम के बाल्यकाल की प्रतिमा बनेगी और दूसरी जिससे माता सीता की। लेकिन उसके बाद पीछे जो मंच है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, चूँकि राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है उसके सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। चंपत राय मौजूद हैं, कामेश्वर चौपाल मौजूद हैं, थोड़ी देर में वो कार्यक्रम तो होगा। लेकिन यहाँ पर जो आप देखिए ये तमाम ब्राह्मण विराजमान है, पंडित विराजमान है, पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उसकी तैयारी पुष्प के साथ सजाया गया है इन शिलाओं को। ये देखिए यहाँ पर नैवेद्य रखा गया है और उसके साथ इसका पूजन होगा, घी के दिए सजाए गए हैं, फूल के जरिए देखिए यहाँ पर ओम को चित्रित किया गया। जरा ये दिखाइए तस्वीरें, ओम को यहाँ पर चित्रित किया गया है और इस तरह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। समीर एक बहुत खास बात है कि नेपाल से इस यात्रा के दौरान करीब 150 लोग एक दल के साथ यहां पहुंचे हैं। जब मैंने उनसे पूछा तो एक शब्द में एक वाक्य में उन्होंने कहा कि इस राम नाम की यात्रा ने 2 देशों की सनातन संस्कृति को जोड़ दिया है। बिल्कुल आप समझिए राम के नाम से पूरा संसार जुड़ता है, समाज बिल्कुल बिल्कुल और ये उत्साह है, ये जोश है। जैसे ही शालिग्राम शिलाएं दोनों पहुंची है और पूरी तरह से राम में राम की नगरी अयोध्या नजर आ रही। रजनीश रंजन भी इस वक्त हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। रजनीश कहा यह भी जा रहा है कि इन शालिग्राम शिलाओं में भगवान राम का जो बाल स्वरूप है वो घेरा जाएगा और राम मंदिर के गर्भगृह में इन्हें विराजित किया जाएगा। तस्वीरें आप दिखाइए और कैसी भव्य तैयारियां, कैसे आज जो शिलाओं को शालिग्राम शिलाओं को सौंपने का काम होगा वो पूरा होगा, बताइए आप। आप बिल्कुल आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं राम सेवक पूरम से, जो रवि बता रहे थे पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है और यहाँ पर तमाम जो राम भक्त हैं वो आने लगे हैं, उनके बैठने की यहाँ पर व्यवस्था हो गई है। तमाम लोग आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाएंगे, ये सब लोग नेपाल से आए हुए हैं और इनमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जो उस गंडकी नदी के किनारे जो गाँव है वहाँ से भी आए हुए हैं। तमाम लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं।
10:30 बजे का समय बताया गया है पूजा का कार्यक्रम शुरू होगा, हवन का कार्यक्रम शुरू होगा और आधिकारिक तौर पर शिलाओं को स्थानांतरित किया जाएगा, उनको एक तरह से कहा जाए कि उनको समर्पित किया जाएगा राम जन्मभूमि जो न्यास क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया है मंदिर निर्माण के लिए। तो ये तमाम लोग उसके लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर पूजा का जो पूरा प्रोसेस है वो शुरू हो गया है, लगभग कुछ ही देर में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पूजा की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तमाम प्रसाद यहाँ पर आ चुके हैं, तमाम फूल मालाओं से यहाँ पर स्वागत हो रहा है, दोनों शिलाओं को पूरी तरह से सजा दिया गया है और यहाँ पूरे रास्ते हमने देखा जनकपुर से लेकर और अयोध्या पहुंचने तक जिस तरीके से लोग सड़कों पर आ गए थे, अपने घरों से बाहर आ गए थे, ठीक है, भगवान राम के प्रति, ठीक है, अच्छा अच्छा है, भगवान राम के प्रति जो उनकी श्रद्धा है वो लोग प्रदर्शित कर रहे थे। बिल्कुल, ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।